झारखंड सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड से कारीमाटी पाहन टोली में मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 2012 में कूप निर्माण का काम चल रहा था। यहाँ पर इस गांव के 15 से 20 मजदूर काम कर रहे थे। इन लोगों को मात्र एक ही सप्ताह का मजदूरी मिला है और बाकी 3 सप्ताह का मजदूरी 1 साल हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं मिल पाया है। खन वो बोलो क्षेत्र से स्कीम निकला रहे रामेश्वर दास, अब जितना भी यह पहन टोली कर पूरा हमारे बूढ़ा बूढ़ी कमा ली। लेकिन कह रहे हैं वो 2012 से अखन वो सब मरम्मत हो गया कुआ तो पेमेंट हो जाए कि नहीं। अखन खन साहब बदली जाए है खन का हो जाए अपने को पूछे खन साहब बदली हुई है खन सब हुआ तो लिस्ट सब तो जमा है लेकिन हमेशा पैसा तो नहीं आओ तो जे आलस जनसोक भी आते रहे वो देख के जल्दी हड़बड़ी कमावा जल्दी तुरंत पैसा मिल जाए कह के आवत है देखे और चल जाए। जनसेवक कर का नाम है के? जनसेवक अगले औला कर तो उकर पता नहीं लग पछे भी बदली हो सेकरो इसके नाम के माने नरेगा के तहत एक कुआं का काज मिला था और कुआं का काज तो जैसे भी हुआ है हो ही चुका है लेकिन कुछ काम करते हुए कुछ पैसा मिला और अभी मजदूरों का कुछ पैसा बाकी है। ये है तो इधर से मतलब ये फंड कहाँ से मनरेगा की तरफ से ही नहीं मिला है क्या? हाँ मनरेगा की तरफ से ही नहीं मिला। कितना दिन हो गया है जो नहीं मिला है? मिला तो अब तो साल भर से अधिक हो रहा है। तो अभी अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अभी तो अधिकारी लोग कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे हैं। और इन लोगों का जो इस कुआं में जो काम किए थे जो मजदूर उन लोगों का मास्टर रोल बना था? बना है। और वो जमा हो गया? जमा हो गया है। कहाँ पर जमा हुआ? पंचायत मैंने ग्राम सेवक के यहाँ। ग्राम सेवक अभी कौन है? अभी का नाम तो मालूम नहीं है सर, लेकिन पहले का तो लालमन गोप थे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि देखें और आप जानें कि हमारे कारीमाटी पाहन टोली में जो श्री रामेश्वर दास का कूप निर्माण चल रहा था इसमें जो मजदूरी जिन मजदूरों को नहीं मिल पाई है उनको मजदूरी बकाया मजदूरी दिलाने में आप हमारी मदद करें। हमारे जलडेगा प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम है अनिल कुमार सिन्हा और इनका मोबाइल नंबर है 09905717724। इनको फ़ोन करके इनके ऊपर दबाव बनाएं। मैं वार्ले सुरीन झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहट के लिए।